दीवानी आ मैं तेरी आ बेजानी आ वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। मैं हूँ कमल कमल अली। बहुत दिन बाद आज ब्लॉग आ रहा है क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है कि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कोई छोटा सा भी ब्लॉग बनाने की। आज बहुत दिन बाद मौसम अच्छा हुआ तो सब छत पे आ गए, मैं भी छत पे आ गई। मैं काफ़ी दिन से बीमार चल रही हूँ, मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा, पता नहीं तबीयत सेट नहीं हो रही है, क्या चक्कर है समझ नहीं आ रही है। तो कोई तबीयत भी सेट नहीं चल रही थी, ऊपर से गर्मी इतनी तो ब्लॉग लगा नहीं। तो आज बहुत दिन बाद मौसम कुछ अच्छा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन मौसम बेहतर है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लिया जाए आपके साथ, बारिश हो जाए। बिल्ली भी आ गई है, आज सो रही थी, रैन कोई और जगह नहीं मिली आपको बैठने के लिए। नहा दोगे फिर वही कपड़े पहनने वाले? गंदे कपड़े पहनते हो? आई जू, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बेटी, गिरेगी आपसे। गरम है जमीन में, गरम है। हाँ जमीन गरम है। अली आपने उसको नीचे उतार दी, नीचे जमीन गरम है। मेरा बच्चा, बारिश हो जाए ना, मौसम बारिश वाला बना है, बारिश नहीं होने वाली वैसे वेदर में देखे। ओ, एक टिपका गिरा है मेरे ऊपर। हाँ गज्जू बाबा आ रहा है बेटा, गज्जू बाबा ही आ रहा है, बारिश नहीं हो रही है। हाँ लग तो रहा है, बादल कहीं गड़ गड़ कर रहे हैं मानो। हाँ ये गाइस ये गज्जू बाबा की आवाज है। किसकी बात है मानो? हाँ ये कौन सा गज्जू बाबा है? क्या मीटिंग कर रहे हो तुम सब मिलके? हमें बता रहा है बहुत पैसा। किसके पास? मुझे कह रहा है एक उसके पास दुकान है अपनी पर्सनल, किसके पास? की नई पूरी ला के तुम कौन सी ला दो जो पूरी ला के भाई? दानेदार पूरी है। की कौन सी चाहिए? प्याज खान चाहिए, एफ-16 रॉकेट चाहिए, जो भी कहोगे ताजी मशीन में से बनती भी निकाल के ला के दूंगा भाई को, पैक करा के ताजा कर दो नसवार विद नो टैक्स। बिस्मिल्लाह बबू, उठ जाओ उठ जाओ। मानो क्या करती हो बेटी, भाई को लागे उठ जाओ उठ जाओ उठो 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 उठो, कुछ नहीं हुआ, उठो उठो उठो, चुंटी मार गई है। जूता किधर है आपका? क्या उस साइड पे हो रही है? उधर नहीं चली क्या? नहीं उधर कुछ टुपके टुपके हो रही, इधर बिल्कुल नहीं हो रही। लग रहा है कोई एक पीस यहीं से बारिश का गिरा है। कोई टुपका टुपका बारिश हुई है, बड़ा मज़े का मौसम हो रहा है, बड़ा प्यारा सा हल्की हल्की सी टुपक टुपक बारिश हो रही है, बहुत तेज़ वाली नहीं हो रही है। लेकिन मुझे लगता है इससे मौसम बेहतर हो जाएगा, जो इतने दिन से गर्मी चल रही है ना, बस अल्लाह करे मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए। बहुत शदीद गर्मी के मुझसे तो व्लॉग नहीं बनता, कोई खाना नहीं बनता, कोई बहुत बुरा हाल चल रहा है आजकल गाइस। सब बताएं, ओए मेरे मोबाइल पर पानी आने लग गया, बारिश तेज़ हो रही है थोड़ी सी। सब आप बताएं कि जो गर्मियाँ हैं कैसी चल रही हैं, कैसी इंजॉय कर रहे हैं गर्मी को। मैं मेरा ख्याल कैमरे का शीशा साफ़ कर लूँ, पानी इसके ऊपर गिर गया है जी। पानी का एक कतरा जो है वो मेरे कैमरे पे गिर गया था, इसलिए कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको जल्दी से साफ़ कर लिया है। हल्की फुल्की टुपक टुपक बारिश हो रही है लेकिन मज़ा आ रहा है, हमने कहा थोड़ा सा इंजॉय करें बहुत दिन बाद, बहुत ही दिन बाद। पिंडी का तो ये होता था कि जैसे बहुत शदीद गर्मी पड़ती थी तो बीच में बारिश शुरू हो जाती थी, अभी काफ़ी दिन से नहीं हो रही थी, आज थोड़ी हो रही है गाइस। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अरे तुम लोग इधर, पता नहीं क्या स्टोरियाँ इधर से उधर उधर से उधर जा के एक दूसरे को सुना रहे हैं। बारिश से डरती है ना? खड़ी हो जाओ, नहीं खड़ी होती हो, बारिश से डरती है वो। यार जैन भी क्या करो यार, खड़ी हो जाओ। फिंगर पकड़ लो, फिंगर खड़े होना मम्मी, इधर नहीं बैठ सकते, गिर जाओगे। मतलब ख्वाहिशों को क्या होगा?
नहीं जो उठा लो बेचारी को, डरती है ना वो। चाचू उठा लो ना, ना करो आशीर, ना करो। आए मेरी बेटी को तंग कर रहे हैं सब। नहीं तो सीधे नहीं बैठ सकते, उधर से नीचे गिर जाओगे। वो देखो अपनी फ्रेंड से बात करो, उधर खड़े होके खड़े ऊपर हो, आशीष से ऊपर करो, उससे अपने फ्रेंड से बात करनी है। इधर के आओ, हेलो, ऐसे दूर से करो ना, फ्रेंड है आपकी। ये हमारे मानो बब्बू की छोटी सी फ्रेंड है, उधर दूर से एक दूसरे को हाय हाय कर रहे होते हैं। शुक्र है कोई मौसम अच्छा हुआ है, गिट्ठू आपसे नहीं ऊपर जाया जाएगा। बारिश, अरे बारिश आ गई। अल्लाह, तुम दोनों लड़ते रहते हो, क्यों मारा बहन को तुमने? आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ। आप इसको तंग करती हो ना गुड़िया, इसको इसको उठा के नीचे फेंक दे। क्यों मारा आपने मानो को? ये तो उन्हें तंग करती है। ओह बारिश लग गई। ओह बारिश, गाइस बारिश। शुक्र अल्लाह का थोड़ी थोड़ी बारिश आई है। वो मारा है ना उसने इसको। जो मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी कैसे आंसुओं से रो रही है, ही गंदा। कितनी प्यारी बारिश हो रही है, हम इससे बोलेंगे नहीं, अभी हम चीज़ लेने जाएंगे, इसको नहीं लेके जाएंगे। आ जाओ, और मेरी बेटी, और बारिश देखो कितनी प्यारी बारिश हो रही है। आओ ना जानी, बस आ जाओ, आ जाओ मेरी बेटी, नहीं हो, आ जाओ, चलो आ जाओ। बारिश बहुत तेज हो रही है। क्यों मारो तुमने बहन को गंदे? बहुत मारूंगा, आ जाओ। अच्छा इस साइड पे बारिश नहीं हो रही, उस साइड पे हो रही है। क्या है? जैन ने गंदे कपड़े पहन लिए। जैन क्यों गंदे कपड़े पहने? नहीं जैन ने नई शर्ट पहनी है। शर्ट तो नहीं पहनी है, कच्चा ही पहना है। मीडिया मेरे पास क्यों है? वैसे आप लोगों से बात, मेरी बात सुनो गाइस, गंदे कपड़े पहन लिए, वही गंदे कपड़े स्मेल वाले पहन लिए होते हैं गाइस। उफ, ओए ओए ओए, ये ना बनाओ यार, ब्लॉग नहीं बनाओ यार, मजाक कर रहे हो आपके साथ जैन, मजाक भी नहीं कर रहे हो। नई शर्ट है, आपकी शर्ट से जेलस हो रहे हैं। वो कह रहे हैं गंदी शर्ट पहनना है, एक बारी सच भरी। हाय बारिश लग रही है, जैन ऐसे को तंग कर, देखिए ना इन्हें सब कदर का ट्राउजर पहना है। और आपने क्या पहना हुआ है? इसके बारे में क्या कहेंगे? गाइस इसके बाद बहुत सारी जायदादें आज पता चले हमें है। और इसके बारे में आशा जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या ख्याल है? वो देखो जैसा बारिश होगी खत्म और सन इज कमिंग बैक। कोई खत्म होगी बारिश आपकी, टपका टपका जो चल रही थी, सूरज फिर आ गया। बस इतनी बारिश बताई गई थी गाइस। अब खुश हो गई हो? आईजी आईजू, कितना तेज होकर निकल आया बाहर। A few moments later. मम्मी क्या बना रही हैं गाइस? मैं मम्मी बनाई थी, मैंने बोला ब्लॉग ही बना लूं थोड़ा सा। मैंने सोचा ब्लॉग ही बना लूं। तो ये मानो मैं बना रही हूँ स्टेक, बीफ स्टेक। आपके बाबा ने तंग किया था ना, बीफ स्टेक बनाओ। तो अभी मैंने इसमें इमली का पल्प लगाया है, ठीक है। मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस। साथ सीख रही हो आप? जी। अभी इसमें हमने सोया सॉस डाल दिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने सिरका पहले से थोड़ा सा मानो डाल दिया था आपके आने से पहले, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ठीक है आपको दिखाने के लिए। वैसे मैंने पहले इसमें सिरका डाला था, ठीक है मानो जी। ये मेरे पास है बारबेक्यू सॉस, कहाँ गया मानो, ये देखो
ठीक है, थोड़ा सा हम ये भी डाल देंगे इसमें। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है आपको? जी। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम थोड़ा सा और पीसो ना, मानो व्लॉग बना रही है मेरा। अच्छा जी, ये ब्लैक पेपर हम डाल देंगे थोड़ी सी इसमें। ठीक है मानो, कह रही मम्मी मैं साथ साथ सीखूंगी भी। मैंने कहा सीखो सीखो साथ साथ, फिर इसके बाद तो मानो ने बनाना है। तो क्योंकि हमारे घर वाले सब चटपटा खाते हैं, थोड़े थोड़े से कुटी हुई लाल मिर्च ये भी हम डाल देंगे, और थोड़ा सा हम डालेंगे नमक। सॉस में भी नमक है, इसलिए नमक हम अभी कम डालेंगे। ठीक हो गया मानो? बहुत ज़्यादा लगे तो इसको मिक्स करेंगे अभी। मम्मा इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगी। और क्या कर रही हैं आप? ये इसमें हम डाल देंगे कचरी पाउडर। पपीता होता तो पपीता डाल देते, दो एक मिनट ठीक करके। ठीक करो जरा सोनिया, उसमें सुन नहीं रहा बात। मैं आती बोलो। मैंने ना इमली ऐसे ही वो साथ ही देखा है, नजर आ रही पूरी साबुत मिक्स कर दिए, कौन इसको खड़ता रहा था। अदरक लहसुन भी थोड़ा सा डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक से दो चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई भी डाल दे बस। इसके अच्छी तरह हाथ से मसाज करेंगे ज़रा अच्छा सा, उसके बाद इसको रख देंगे। चलिए जी, यहाँ पे मैंने बना लिया वाइट सॉस, स्टेक्स और फ्राइज़। बस इन चीज़ों का व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी थी। और आज के व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।